शहर की तमाम खबरें देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि आपने लक्की ड्रॉ के नाम पर कस्टमर के साथ फ्रॉड किया है, आपने लालच दिया इतने महंगे महंगे इनाम के ताकि आपकी दुकान से खरीदारी हो, शॉपिंग हो और आपका फायदा हो, लेकिन कस्टमर का घाटा हुआ। नहीं, कस्टमर का कोई घाटा नहीं करा, कस्टमर ने हमको पैसे दिए, बदले सामान दिया। कस्टमर का ये क्या बेनिफिट था अलग से हमको इन्होंने इनको इनाम दिए, मतलब जो निकाला फैक्ट निकाले हैं, कोई जिसने शिकायत करी है गलत करी है। 2500 की शॉपिंग करे और 7 लाख के तक के इनाम मिल जाए, ऐसा क्या है कि मतलब यहाँ पे इतनी ज्यादा इनाम दिए जा रहे हैं? एक्चुअली हमारे पास, हम होलसेल भी करते हैं, पूरी पानीपत हमारी सप्लाई है, ये हमारा जो हम कस्टमर को सप्लाई करते हैं हम वही रेट कस्टमर को दे रहे हैं। आप पर जो कस्टमर आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनके साथ फ्रॉड किया, जो कस्टमर आरोप लगा रहे हैं वो एक ही कस्टमर है, वो मतलब उन्होंने शॉपिंग करी, अच्छी शॉपिंग करी, हम नहीं करते, अच्छे कस्टमर है हमारे, हम गलत नहीं करते, कस्टमर अच्छे नहीं है, अच्छे कस्टमर है, शॉपिंग करी उन्होंने, अब नहीं निकला हमारी कुछ में गलती नहीं है। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ, हमें सारे कूपन टाइम पे मिल चुके हैं। मैंने यहाँ पे जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए और घर का शॉपिंग वो मैंने खरीदा था 15,000 से 20,000 रुपये का, और मैंने 2-3 जो कूपन होते हैं वो लिए थे, मेरा एक भी नहीं निकला, एक भी नहीं निकला। बट मैं, इन्होंने मेरे को इन्फॉर्म कर दिया था भाई हमारा लकी ड्रॉ आपको आना, मैं आया था 7:30 बजे के आसपास हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूँ आपके साथ सोनम। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे TS मार्ट धनतेरस लक्की ड्रॉ ऑफर। आज हम आपको लेकर पहुँचे हैं अंसल सुशांत सिटी में TS मार्ट में। कुछ दिन पहले, दिवाली से पहले हमने आपको यहाँ के बारे में बताया था कि TS मार्ट आपके लिए एक लकी ड्रॉ लेकर आया है, जिसमें आप 2500 रुपये तक की शॉपिंग करने के बाद आप ये सभी जो प्राइज हैं वो जीत सकते हैं, जिसमें पहला इनाम इन्होंने निकाला था दुबई ट्रिप, दूसरा इनाम इन्होंने निकाला था गोल्ड के सिक्के और वॉशिंग मशीन और आईफोन, इस तरह के जो महंगे महंगे इनाम हैं वो आपके लिए निकाले गए थे। ये ऑफर चलाया गया था जिसके बाद यहाँ पर कस्टमर पहुँचे, उन्होंने ख़रीदारी भी की और इनका दावा है कि जितने भी लोगों ने यहाँ से शॉपिंग की 155 लोगों के ये लकी ड्रॉ निकलने थे और ये लकी ड्रॉ निकाले जाने थे धनतेरस को लेकर। लेकिन धनतेरस 2 दिन था, 22 और 23 को लेकर कन्फ्यूज़न हो गई, जिसके चलते कस्टमर द्वारा इन पर आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने लकी ड्रॉ के नाम पर उनके साथ फ्रॉड किया है। लेकिन इनका दावा है कि इन्होंने जो वादा किया था उसे बखूबी निभाया भी है। लकी ड्रॉ में जितने भी कस्टमर आए और जितने जिनके जो है दुबई ट्रिप हो, चाहे आईफोन हो, चाहे गोल्ड के सिक्के हो, वो उन्होंने जो है दिए हैं। इसी की जाँच करने के लिए आज हम आपको लेकर पहुँचे हैं दोबारा से TS मार्ट के पास, और आज यहाँ के ओनर से भी जानेंगे और बाकायदा उन कस्टमर्स को भी बुलाया गया है ताकि आप लोगों को सच्चाई बताई जा सके, क्योंकि आरोप लगे हैं इनके ऊपर कि इस तरह के लकी ड्रॉ निकाल कर ये लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। सबसे पहले हम कस्टमर से बातचीत करना चाहेंगे। कस्टमर है हमारे साथ जिन्होंने अभी अभी हमें बताया कि इन्होंने यहाँ से 2.5 लाख की शॉपिंग करी थी, जिसके बाद इनके कूपन निकले थे। क्या कुछ उसमें सच्चाई है वो हम इनसे जानते हैं। पहले तो आप ये बताएं कि आपने कब खरीदारी की थी, कितने की खरीदारी की थी? हम जब से यहाँ आए हैं तब से ये ओपन हुआ है, तो अब तक की हम 2.5 लाख की शॉपिंग कर चुके हैं। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ, हमें सारे कूपन टाइम पे मिल चुके हैं। कूपन मतलब बकायदा निकल रहे हैं, और जितना भी आपने सामान यहाँ से खरीदा वो ओरिजिनल है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ओरिजिनल है। मतलब लकी ड्रॉ के नाम पर आपके साथ तो फ्रॉड नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ जी, तो कुछ और भी कस्टमर हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, जिनके जो है ये जितने भी लकी ड्रॉ निकाले गए थे उनसे बातचीत करते हैं। आप जरा से यहाँ आ जाइए, कहाँ के रहने वाले आप? ये अंसल को है। अंसल का ही? हाँ जी। जब ये लकी ड्रॉ निकाला गया आपने कितने की शॉपिंग की और क्या खरीदा था? 2500 की शॉपिंग की थी, पर उसके बाद निकला था ये। क्या निकला था आपका? सोने का कॉइन जी, 8 ग्राम का। आप बिल्कुल सच तो बोल रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, सच ही है जी। ठीक है ना जी, सच है जी। मतलब जो लकी ड्रॉ का भरोसा दिलाया था वो पूरा किया, लेकिन कुछ कस्टमर ये कह रहे हैं कि धनतेरस पर ये निकालना था लकी ड्रॉ, लेकिन इन्होंने 22 तारीख को धनतेरस के मौके पर वो निकाला बिना कस्टमर को बुलाए। ऐसा है, बिना कस्टमर को बुलाए? नहीं नहीं जी, नहीं जी, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था जी। अच्छा, हाँ जी। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं TS मार्ट के ऊपर, तो वो गलत है या सच है? गलत है जी। अच्छा, हाँ जी। आपका कूपन निकला है, वो गोल्ड का सिक्का निकला है? हाँ जी, निकला है जी। अच्छा,
कुछ और भी कस्टमर है उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, आप भी आ जाइए सर। अभी हमने दो कस्टमर से बातचीत की जिन्होंने बताया कि उन्होंने 2.5 लाख की शॉपिंग करी थी, 13 कूपन उनके निकले थे जिसमें से वो आधे की जो है खरीदारी कर चुके हैं। इस कस्टमर ने बताया कि उनका जो है गोल्ड का सिक्का निकला है। तीसरे कस्टमर हैं, कुछ ही कस्टमर यहाँ पर मौके पर आए हैं क्योंकि अभी जितने भी कस्टमर यहाँ के थे वो काफ़ी दूर दूर के हैं, वो यहाँ पर नहीं आ सके हैं। तीसरे कस्टमर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले? मैं बाबरपुर मंडी पानीपत से रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या खरीदारी की थी आपने यहाँ? मैंने यहाँ पे जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए और घर का शॉपिंग वो मैंने खरीदा था 15 से 20 हज़ार रुपये का, और मैंने 2-3 जो कूपन होते हैं वो लिए थे, मेरा एक भी नहीं निकला। एक भी नहीं निकला। बट मैं इन्होंने मेरे को इन्फॉर्म कर दिया था भाई हमारा लकी ड्रॉ है, आपको आना। मैं आया था 7:30 बजे के आसपास हुआ था ये धनतेरस वाले दिन। लेकिन आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने कस्टमर को बुलाया ही नहीं, कस्टमर से बातचीत ही नहीं करी, उनको फ़ोन ही नहीं किया। अगर ये जो आरोप लगाए गलत आरोप है, अगर ये इन्फॉर्म नहीं करते तो मेरे को भी इन्फॉर्म नहीं करना था इनको। तो मेरे को इन्फॉर्म किया गया बतौर इनका फ़ोन आया था मेरे पास, अभी लकी ड्रॉ है आप आना है। 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी। अगर किसी के पास फ़ोन आता है ना आता है, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने जो फ़ोन किया है उनका फ़ोन स्विच ऑफ है या कुछ है, वो उनकी गलती है, इनकी गलती नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता कि हम लोग भी जब ये बताते हैं कि 7 लाख के ऑफ़र हैं, 2500 की ख़रीदारी करें और इतने तक के महंगे महंगे इनाम जीते, एक बार माइंड में ये तो आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं फ्रॉड है? नहीं, ऐसा मेरे मन में बिल्कुल नहीं था। मैं सिर्फ इस अटेंशन से यहाँ पे आया था, मेरा क्लिनिक है, मैं क्लिनिक चलाता हूँ, डॉक्टर नवीन मेरा नाम है। तो भाई हाँ, मेरे क्लिनिक के नज़दीक है ये मार्ट और मैं ईज़िली यहाँ पर सब कुछ मेरे को मिल गया था, इस वजह से मैंने यहाँ से परचेज़ किया था सामान, बस ये था। अब हमारे साथ यहाँ के जो ओनर हैं आशीष जैन जी, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि वही बता सकते हैं कि सर सच्चाई क्या है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, आपने ये लकी ड्रॉ निकाला, इधर आ जाइए आप, लकी ड्रॉ निकाला किस अवसर पर निकाला था, क्या कहकर कस्टमर से आपने बातचीत की? ये ऑफर हमने धनतेरस के रिगार्डिंग निकाला था, हमारा स्टोर नया ओपन हुआ था, ये हमने इसलिए निकाला था हमारे पास कस्टमर जुड़े, हमारी जो वैरायटी है देख के, टोटली आइटम में देखे, डिस्काउंट हमारे देखे, हमारे डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट हर आइटम पर डिस्काउंट है। मान लो 10 रुपये कोई चीज़ भी लोगे उस पर भी डिस्काउंट है, 3%। आप गुड़ मंडी भी ट्राई कर सकते हो, कहीं भी ट्राई कर सकते हो। हमने 2500 के सामान पर 5 किलो शुगर भी फ्री करी है, 2500 सामान पर 10% डिस्काउंट भी दिया फ्लैट, जो हमारा डिस्काउंट चल रहा है। अब हमने अलग से कुछ सोचा, अलग से कुछ डिस्काउंट निकाले कस्टमर के लिए, तो हमने 7 लाख का इनाम निकाला है। फर्स्ट इनाम हमारा है दुबई ट्रिप, सेकेंड इनाम हमारा 8 ग्राम गोल्ड है, थर्ड इनाम हमारा आईफोन 12 है, फोर्थ इनाम हमारा वॉशिंग मशीन है, फिफ्थ इनाम जो है हमारा 1000 रुपये की शॉपिंग करो पर मंथ पर ईयर के लिए, वो 5 बंदों के लिए निकाला है। 2500 का कूपन निकाला हम 40 बंदों के लिए, 40 बंदों के लिए 2500 का कूपन निकाला है, शॉपिंग कर सकते हो TS मार्ट से, वो भी वैलिडिटी है 30 दिसंबर आई थिंक 2022। कुल मिला के ये है कि आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि आपने लकी ड्रॉ के नाम पर कस्टमर के साथ फ्रॉड किया है, आपने लालच दिया इतने महंगे महंगे इनाम के ताकि आपकी दुकान से खरीदारी हो, शॉपिंग हो और आपका फ़ायदा हो, लेकिन कस्टमर का घाटा हुआ। नहीं, कस्टमर का कोई घाटा नहीं करा, कस्टमर ने हमको पैसे दिए बदले सामान दिया। कस्टमर का ये क्या बेनिफिट था अलग से हमको, इन्होंने इनको इनाम दिए, मतलब जो निकाला फैक्ट निकाले हैं, कोई जिसने शिकायत करी है गलत करी है। इसके रिगार्डिंग हम ये चाहते हैं अंचल वासियों से, सभी पानीपत वासियों से, जो इनाम निकाला है अच्छा निकला है, सब कस्टमर का निकला है, फैक्ट निकला है और निकलता रहेगा। टोटल 155 इनाम हमने निकाले हैं, आप बगा दे फ़ोन भी कर से पूछ सकते हो। आप जो कस्टमर कह रहे हैं लखनऊ से निकला, फलाना निकला, आप फ़ोन करके, अभी हम आपको फ़ोन करेंगे, फ़ोन करवाएंगे। सबसे पहले आपने अभी बताया कि पहला जो ट्रिप है दुबई का ट्रिप, वो कस्टमर यहाँ पे आई थिंक मौजूद नहीं है, उनसे मैं बातचीत करना चाहूँगी कि फ़ोन लगाएं आप ताकि लोगों को पता लगे कि क्या सच में उनका कस्टमर का फ़ोन लगा हुआ है, मतलब उनको मिला भी है कि नहीं। आपको कस्टमर से बात करवाएंगे, लाइव बात करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप पर जो कस्टमर आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनके साथ फ्रॉड किया, जो कस्टमर आरोप लगा रहे हैं वो एक ही कस्टमर है, वो मतलब उन्होंने शॉपिंग करी, अच्छी शॉपिंग करी, हम नहीं करते, अच्छे कस्टमर है हमारे, हम गलत नहीं करते, कस्टमर अच्छे नहीं है, अच्छे कस्टमर है, शॉपिंग उन्होंने, अब नहीं निकला हमारी कुछ में गलती नहीं है, हम कस्टमर के सामने निकाला, कस्टमर हमारे सामने है, कस्टमर से आप बात भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो, हमारे सामने कूपन निकाला है।
तो आपने उनको जब धनतेरस के मौके पर आपने उन्हें फोन नहीं किया कि आप आ जाइए? एक कस्टमर हमारी जो लड़की थी अभी वर्कर थी उनको उससे गलती हो गई, वो हमारे यहाँ से जा चुकी है। उन्होंने बोला 23 तारीख के कूपन निकलेंगे, बल्कि 22 तारीख के कूपन हमारे निकल चुके हैं। उनसे गलती होगी, उन्होंने बोला 23 तारीख के कूपन निकलेंगे, बल्कि उस लड़की का कूपन भी निकला, उसका नाम विश्विनी के नाम से है, बल्कि उनका 1000 रुपए का कूपन निकला, हमारे यहाँ से शॉपिंग भी कर चुके हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ से गलतफहमी हुई है, गलती हुई है वर्कर की वजह से, जो उन्होंने बोला 23, उस कस्टमर को बोला 23 तारीख को निकलेगा, वो हमारी गलती है। गलती तो मान रहे हैं, इसी वजह से शायद गलत फहमी हुई है, इसी वजह से आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। इसलिए आरोप लग रहे हैं हमारे ऊपर, हमने कस्टमर के सामने निकाला फैक्ट है, हमने अलग अलग इनाम सबको दिया, कूपन भी व्हाट्सएप किया सबको जिससे निकला, 155 लोगों को दिया है। बकायदा आपने इसकी लिस्ट भी लोगों के पास पहुँचाई है कि हाँ इस चीज़ फैक्ट निकाल लिया, मेरी बात हमने नहीं निकाला, लिस्ट क्यों देते उनको? विद नंबर लिस्ट दिया उनको, आपको हम कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेके बात करवा सकते हैं कस्टमर की। चलिए एक कस्टमर से हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन सवाल ये भी आता है, कई बार मन में सवाल आता है लोगों के, जब हम इस तरीके की खबरें दिखाते हैं कि लोगों को बताते हैं कि आप आइए यहाँ से शॉपिंग करें, तो मन में सवाल हमारे ऊपर भी उठते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2500 की शॉपिंग करें और 7 लाख के तक के इनाम मिल जाए, ऐसा क्या है कि मतलब यहाँ पर इतनी ज़्यादा इनाम दिए जा रहे हैं? एक्चुअली हमारे पास, हम होलसेल भी करते हैं, पूरी पानीपत में हमारी सप्लाई है, ये हमारा जो हम कस्टमर को सप्लाई करते हैं हम वही रेट कस्टमर को दे रहे हैं। मान लो कोई सर्वेक्सल मैटिक फ्रंट लोड है, मार्केट में हम 200 रुपये लेस बेच रहे हैं, जो कस्टमर जो रिटेलर बेचते हैं, जो होलसेलर बेचते हैं, हम वही कस्टमर को उसी रेट में दे रहे हैं। आरोप अब भी ये भी लगाए जा रहे हैं, बकायदा उन्होंने जो है कस्टमर से बातचीत भी की, हमारे पास कस्टमर की रिकॉर्डिंग भी है, कस्टमर ने हमको रिकॉर्डिंग भी भेजी है। ऐसे वो कस्टमर बोल रहे हैं 155 नाम उन्होंने फ्रॉड निकाले हैं, वो कह रहे बड़े नाम फ्रॉड निकाले, कस्टमर हमारे पास हाजिर है, बात भी कर सकते हो, अच्छी तरह पूछ भी सकते हैं। रिकॉर्डिंग मेरे फोन में, आपको फोन में दिखाता हूँ रिकॉर्डिंग। चलिए रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे, और जिनका दुबई का ट्रिप निकला है उनसे भी एक बार फोन पर बातचीत करना चाहेंगे, पहले कॉल रिकॉर्डिंग सुन। बोल रहे हैं जी सर, मैं अंसल तो अनिल अहुजा बोल रहे हैं जी। बोलो अहुजा साहब। सर तुसी टीएस मार्ट से ड्रा दे विच कूपन पाए सी तुहाडा? हां मेरे तो पैन उते 90 दे करीब कूपन। हां जी 90 कूपन पाए मैं अपने, ते 2.5 लाख दी, हां मेरे 2.5 लाख दी परचेजिंग आई मेरी। अच्छा जी, तो मैं तो छोड़ोगे ओदे विच ही, तो जद 2.5 हजार तो टेक देता है ना इसने। अच्छा, तो ओदे च मेरी चिल्लर आई उते दी, तो चिल्लर छोड़ के मैं कहा तू बाकी मेरे पास दे। हां तो ओदे च मेरी मैडम दा, मेरी बिटिया के नाम दे, मेरे नाम दे, तीन नाम दे, 90 दे करीब कूपन पाए हुए नहीं अपने। अच्छा जी, निकले ने मेरे कितने निकले तोड़े? 13 निकले ने। और दा तोड़े सामने आया सी? हां, और कौन कौन सी दा दे? मैं और कोई नहीं पूछा, ऐसे नवे आए थे, वैसे इतने जान पहचान कट के मैं क्या करनी है इतना लाई। मैं और इतनी, तुसी मेरे को शायद मैं पहली बार करंदे पे हो। रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन शुरू में ही उन्होंने पूछा कि आपने कितने की शॉपिंग करी, कितने कूपन निकाले, और बकायदा जो हमारे कस्टमर आए उनके पास भी फोन आया, बल्कि उनके पास रिकॉर्डिंग भी है, मतलब रिकॉर्डिंग तो नहीं, मतलब उनके पास रिकॉर्ड है, उनका अनिल अहुजा का फोन आया हुआ है। हमने बिल्कुल फैक्ट निकाल लिए, कोई हमने कस्टमर के साथ गलत नहीं करा, बिल्कुल हमने जो इनाम है बांटे। हाँ बिल्कुल, बातचीत करनी चाहिए, आप बुलाएंगे उन्हें, समझाएंगे गलतफहमी आपकी तरफ से? हाँ हमने उनको समझाया, अच्छी तरह समझाया, वो मान नहीं रहे, वो कर फ्रॉड कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। चलिए एक बार वो जिनका दुबई का ट्रिप निकला है वो एक बार उनसे बातचीत करना चाहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त हम पहुंचे हैं पानीपत के अंसल सुशांत सिटी में टीएस मार्ट के बिल्कुल बाहर, क्योंकि इन पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने लकी डॉग के नाम पर फ्रॉड किया। हालांकि दावा है इनका कि इन्होंने जितने भी कस्टमर्स के साथ वादा किया था और उतने उनको इनाम दिए गए हैं। एक बार बातचीत करवा दीजिए हमसे। मैडम जी, ये जानना चाहेंगे कि आपका दुबई का ट्रिप निकला था, तो आपको इन्होंने ट्रिप के नाम पे जितने पैसे बनते थे 80,000 रुपये, तो वो आपको दिए हैं या नहीं दिए? हाँ दिए जी, कैश लेके मैं। अच्छा, कैश लेके गए थे आप? हाँ लेके मैं। अच्छा अच्छा, चलिए हमने कस्टमर से बातचीत की जो कि यहीं की पानीपत की रहने वाली है, उन्होंने और आपको बता दें कि उन्होंने जो है सीधा जो है फ़ोन यहीं से मिलाया कस्टमर से, यहाँ पे डायरी पे नाम भी लिखे गए हैं, बकायदा फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं, यहीं से उन्हें फ़ोन किया और बताया कि उन्होंने जितना भी ट्रिप के नाम पर 80,000 रुपये हैं वो 80,000 रुपये अपने साथ घर पर लेकर गई हैं। बकायदा यहाँ पर आई थी, और सबसे पहले आपको लिस्ट भी दिखाना चाहेंगे, आप लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पर, बकायदा
सुनीता नाम है जिनका पहले नंबर पे इनाम निकला, दुबई का ट्रिप निकला है, उन्हें 80,000 रुपये कैश दिया गया। उसके अलावा भी जितने भी कस्टमर यहाँ पर आए थे जिनके इनाम निकले हैं, 155 लोगों के इनाम निकले थे, सभी को इनके द्वारा इनाम दिया गया। सर लेकिन आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, कह रहे हैं कि फ्रॉड किया गया, हम आगे जाएंगे इसकी बात रखेंगे। अब हम बिल्कुल चाहते हैं आगे जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बिल्कुल फैक्ट निकाला है, हम चाहते हैं आप आगे जाओ, जो हमने निकाला फैक्ट निकाला, कोई दिक्कत नहीं है, हमको संतुष्टि है पूरी, हमने निकाले हैं जो आपको करना कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं, हम ही बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम भी अंचल में रहते हैं, हमारा हाउस नंबर 805 है। ठीक है, तो फिलहाल जो है जो कस्टमर कह रहे कंज्यूमर कोर्ट में जाएगी, मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, सुपर कोर्ट में जाओ, कहीं हाई कोर्ट में जाओ, जा सकते हो आप, जहाँ मर्जी जा सकते हो। मतलब आपने लोगों के साथ जो भरोसा दिया था कि हम देंगे, आपने दिए हैं? बिल्कुल दिए जी, बिल्कुल दिए। चलिए, आज हम आपको लेकर पहुंचे थे टीएस मार्ट में, अंसर सुशांत सिटी में, जहां पर कस्टमर से भी बातचीत की, जिनके जो हैं इनाम निकले थे लकी ड्रॉ में, बकायदा उनको यहां पर इसलिए बुलाया गया ताकि पता लगाया जा सके कि आखिरकार सच्चाई क्या है, क्योंकि टीएस मार्ट के जो ओनर हैं आशीष जैन जी, उन पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने लकी ड्रॉ के नाम पर कस्टमर्स के साथ फ्रॉड किया ताकि यहाँ पर लोग आएँ और ख़रीदारी करें और इनका फ़ायदा हो, लेकिन उनका आरोप है इन पर, लेकिन इनका दावा है कि ऐसा नहीं है। जितने भी कस्टमर्स को हमने भरोसा दिलाया था उनको जो है इन्होंने इनाम दिए हैं, किसी का गोल्ड का कोयन निकला है, तो किसी ने बकायदा फ़ोन पर बताया कि जिसका पहला इनाम निकला है सुनीता जी का, उन्होंने बताया कि वो दुबई का ट्रिप उनका निकला था और बकायदा 80,000 रुपये वो अपने घर पर लेकर गई हैं। फिलहाल इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।